फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि, आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। चलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। आज मार्केट ने क्या किया और कल के हमारे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, और आज मार्केट ने क्या किया और मार्केट कल क्या कर सकता है। तो निफ्टी अगर देखेंगे तो 22,097 का हमें क्लोजिंग मिला है, जो कि यहाँ पे जो है एडजस्टेबल प्राइस नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे 21,109 दिखा रहा है। तो देख लेते हैं। तो कल का एनालिसिस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने क्लियरली बोला था, अगर मार्केट फ्लैट और इसी रीजन में अगर ओपन होता है तो ये जो डे हाई मैंने मार्क करके रखा होता, जो 21,927 का था, 930 का मैंने बोला था, इसके ऊपर ही आपको बाइंग करके चलना है। तो ऊपर के लेवल लाइव मार्केट में अपडेट करेंगे ऐसा मैंने बोला था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गैपअप खुलने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके बाद जो स्लो स्टडी जो है मार्केट ऊपर की तरफ ही पॉजिटिव साइन दिखा रहा था दिन भर में टोटल। तो नीचे के साइड के तो लेवल मैंने प्रोवाइड कर दिए थे, अगर आपका आपने कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कल के लिए हमारे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। ये क्लियरली मैंने बोला था कल के एनालिसिस वीडियो में ही, मैंने बोला था कि निफ्टी 22,000 प्लस होने वाला है। ये वाला जो वीडियो है कल का प्रिडिक्शन मार्केट 15 जनवरी का, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं इसका लिंक जो है एंड स्क्रीन में या आई बटन में दे दूँगा। तो अभी अगर देखेंगे तो मार्केट काफ़ी बुलिश लग रहा है जहाँ तक दिख रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो हमारे लिए कल का जो इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है बाइंग के लिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और जो यहाँ तक अगर कुछ वापिस हमें डिप मिलता है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ ये वाला, और इसका प्राइस लेवल भी मैं लगा देता हूँ तो समझने में आसानी होगी। एक मिनट, ये जो लेवल है यहाँ तक एक डिप आ सकता है मॉर्निंग सेशन में, मॉर्निंग के टाइम में 22,050 जो है यहाँ तक एक डिप आके फिर मार्केट अपर साइड कंटिन्यूशन कर सकता है। हमें जो सेलिंग का सिनारियो जो है 22,000 के नीचे ही करना है, लेकिन अगर आपको एक छोटा सा स्कैल्प करना है तो ये वाला जो लेवल है 22,026 का, यहाँ पे एक आप छोटा सा स्कैल्प कर सकते हो नीचे की साइड तक, जो कि एक मिनट मैं इसे मार्क कर देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से आप एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं पुट साइड के लिए 22,027 से लेके ये वाला जो गैप रीजन है 21,927 का, यहाँ तक के लिए एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हो, या तो यहाँ तक के लिए भी कर सकते हो जो कि डेलो है आज का, यहाँ तक के लिए एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हो। ये भी प्राइस में लगा देता हूँ यहाँ पर 21,965 जो है यहाँ तक के, यहाँ से लेके 22,027 से लेके 21,965 ये छोटा सा एक स्कैल्प कर सकते हो। और यहाँ से भी अगर इस लेवल के नीचे हमें कुछ 5 मिनट का कैंडल क्लोज मिलता है तो ये वाला गैप रीजन जो है ये भी फिल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कल ही हो जाए, लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे अगर प्रॉफिट बुकिंग का कुछ सिनारियो अगर दिखता है तो एक छोटा सा स्कैल्प यहाँ से यहाँ तक आप कर सकते हो, जो कि छोटा सा एक 50-60 पॉइंट का स्कैल्प रहेगा। और अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और नीचे आके यहाँ पे कोई अगर रिवर्सल साइन दिखाता है तो यहाँ से हम एक कॉल साइड के लिए बाइंग कर सकते हैं, जो कि डे हाई इसका फर्स्ट टारगेट होगा। जब नीचे डिप मारेगा तो ये फर्स्ट टारगेट होगा हमारा डे हाई, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो कुछ प्राइस एक्शन बना के तो मैं अपना टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर लेवल्स अपडेट कर दूँगा। तो ये नीचे के साइड सेलिंग के लिए आपको रहेंगे लेवल्स, और अगर डायरेक्ट ही आप मार्केट यहाँ पे ओपन होता है इस डे हाई के पास या गैप अप ओपन होता है तो मेन चीज़ तो ये है कि अगर गैप अप हुआ या फ्लैट ओपन हुआ तो मार्केट पॉजिटिव ही है। नेगेटिव, एकदम फुल्ली नेगेटिव जो है 22,000 के नीचे अगर हमें डेली कैंडल कोई क्लोजिंग मिलेगी तो ही हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे, तब तक बाय ऑन डीपी मार्केट रहने वाला है। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे 22,100 या 100 से ऊपर 130 के आसपास, तो हम फिर से एक बार यहाँ पे डिप का वेट करेंगे 117 तक का, मतलब ये जो डे हाई यहाँ से फिर हम एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन अगर बनाता है अगर ओपन हुआ गैप अप फिर नीचे आया फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के कुछ इस तरह से अगर जाएगा तो वहाँ पे हम बाइंग का सिनेरियो देखेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है तो हम पुल बैक का वेट करेंगे फिर यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी का मैंने एनालिसिस वीडियो जो था कल का, वो उसे मैं क्लियरली बोला था
कि यहाँ पे मार्केट जो है एक रेंज बना रहा है और इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में अभी काफ़ी अच्छा जो है मूवमेंट हमें मिल सकता है लगभग 500-600 पॉइंट का, क्योंकि यहाँ से मार्केट इस रेंज से जब निकलेगा तो काफ़ी अच्छा हमें मूवमेंट मिलने वाला है। तो इसके भी मैंने लेवल्स प्लॉट करके रखे हुए हैं, तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ आज के लिए। कल भी मैंने ये लेवल्स दिए थे अपने एनालिसिस वीडियो में, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो लेवल्स था हमारा डे हाई का, यहाँ से मार्केट पॉजिटिव साइन दिखा कि ऊपर जाने के बाद में हमारा लेवल तो हल्का सा टच होने बाकी था, तो फिर से यहाँ पे जब पुल बैक आया यहाँ पे एक बाइंग इनिशिएट होती है। तो जो कि मैंने टारगेट दिए थे 48,000, और 48,000 के बाद 48,173 जो कि हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। तो यहाँ से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में मार्केट ने काफ़ी अच्छा क्लोजिंग ऊपर की साइड दिया है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो है कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट, अगर फ्लैट ओपन होता है तो इसी रीजन में, अगर 48,173 से तो 48,370 जो है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट 48,500 का होगा, ये राउंड लेवल जो है ये वाला हमारा सेकंड टारगेट होगा बुलिश साइड के लिए। और उसके भी अगर आगे निकलता है तो 48,730 ये हमारा फाइनल टारगेट होने वाला है बैंक निफ्टी में कल के लिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर की साइड अगर निकलता है तो ये वाला जो है ये हमारा फाइनल टारगेट होने वाला है 48,750 या 46 आप पकड़ के चलिए। नीचे की साइड अगर मार्केट ओपन ओपन होता है गैप डाउन, तो गैप डाउन अगर ओपन होता है तो ये जो डेलो है आज का 47,800 इसके नीचे ही शॉर्ट बनेगा, जो कि लग नहीं रहा है कि मार्केट डाउन साइड ज़्यादा मूवमेंट करेगा। अपर साइड ही प्राइस एक्शन दिख रहा है जिस तरह से हमें आज क्लोजिंग मिला है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है। तो ये था बैंक निफ्टी के लिए। नीचे की साइड अगर आपको लेवल्स चाहिए तो ये वाले जो लेवल मैंने ड्रॉ करके रखे हैं ये भी आप प्लॉट करके रख सकते हो कल के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले डाउन साइड के लिए, 47,591 लगभग 47,600 ये हमारा डाउन साइड का टारगेट रहेगा फर्स्ट। सेकंड टारगेट जो है 47,450 ये सेकंड टारगेट होने वाला है, और थर्ड टारगेट जो है 47,235 ये थर्ड टारगेट होने वाला है अगर मार्केट बेरिश साइन अगर कुछ दिखाता है तो। लेकिन ज़्यादा करके जो है मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रहा है, तो पॉजिटिव साइड ही हम ट्रेड करेंगे क्योंकि मार्केट ट्रेंड जो है हमें कहीं ना कहीं बुलिश साइन दिखा रहा है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको फिन निफ्टी का भी चाहिए लेवल्स जो है मैं लाइव मार्केट में पोस्ट कर दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ये वाला जो है मेरे चैनल का इंटरफेस है गोल्डन बुल्स नाम से, तो आप बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे निफ्टी फिन निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस वीडियो, कुछ शेयर जो होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ पेनी शेयर्स होते हैं, मल्टीबैगर शेयर्स होते हैं, कुछ स्विंग ट्रेड्स होते हैं, कुछ इंटरडे स्टॉक्स होते हैं जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जिनका एनालिसिस वीडियो में डालता हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। और ये वाला जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में हम लेवल्स जो है प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं लेवल्स, उसके अकॉर्डिंग आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो पूरा एनालिसिस वीडियोस और ये जो मैं कुछ लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ, कुछ कॉल्स जो होते हैं, ये सब जो है आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, तो बाय सेल रिकमेंडेशन ये कोई भी नहीं है। तो आप यहाँ पे जो QR कोड दिख रहा है राइट हैंड कॉर्नर में, इसको आप अपने मोबाइल से स्कैन करके इस चैनल से आप जुड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।